सत श्री अकाल दोस्तों, अज मैं बना रही हूँ काजू कुरकुरे नमकीन। तो मैं सब तो पहला लिया है मैदा, एक बड़ी कोली। छोटी कोली मैं एक सूजी दी ली है। नाल मैं अजवाइन थोड़ी जी क्रश करके पाती है दे विच। नाल मैं एक चम्मच नून पाया है। तो नाल ही मैं ये चार पाँच छोटे चम्मच जिहड़े बहुत छोटे चम्मच होंदे बच्चों वाले वो पाया कुकिंग ऑयल, रिफाइंड ऑयल चार पाँच चम्मच, क्योंकि ये पाना जरूरी है। ये नाल ही ये बहुत ज़्यादा खस्ता कुरकुरे बनते हैं। तो हुण मैं इन्हों अच्छी तरह मिक्स कर लवाँगी। तो देखो जो मिक्स करके इस तरह का होने लग जाए तो उस तो बाद असी ये पानी ऐड करना है। इनू इस तरह करके देखना है कि ये गट्ठा जिहा बन रहा ने, तो फिर असी ये पानी ऐड करांगे। पानी मैं एक गिलास लिया सी। तो देखो मैं थोड़ा थोड़ा पा रही हाँ, पूरा पानी नहीं लगेगा, सिर्फ थोड़ा थोड़ा पा के देखांगे कि नग लगता है। तो बस इस तरह मिक्स करते रहना है। इनू मिक्स करके इस तरह आटा गुन के इनू 10 मिनट लिए रेस्ट रख देंगे। थोड़ा जो सख्त गुनिया गया सी मेरे को, बाद विच मैं इनू सॉफ्ट किया। वैसे सख्त नाल ज़्यादा कुरकुरे बनते हैं, तो जो सॉफ्ट किया तो इन्ने कुरकुरे नहीं बने से। तो देखो मैं चकले ते तेल लगा लिया, उस तो बाद मैं इसनों बेल लिया। ये सब तो पहला पेड़ा है मेरा जिहड़ा मैं बेल के उहदे विच पाया सी, बहुत कुरकुरे बने सी। थोड़ा जिहा पतला सी ये, तो मैनू लग्या कि शायद ज़्यादा पतला है, तो इस करके मैं पतले दे ही बना के चेक किए। एक बारी मैं तुहानू रिव्यू दे रही हाँ कि मैं यूट्यूब तो जो भी सीखती हाँ मैं थोड़े नाल शेयर कराँ, क्योंकि यह सब चीज़ां मैनू तो आंदियां नहीं सी बनानियां, तो मैं सिर्फ यूट्यूब तो देख के ही तुहानू शो कर रही हाँ कि मैं इस तरह वीडियो देखती हाँ यूट्यूब तो। फिर उस तो बाद जो रिव्यू आता है, जिस तरह की मैनू मतलब प्रॉब्लम्स नू फेस करना पैंदा है सीखन तो बाद, तो वो मैं तुहाडे नाल शेयर कर रही हाँ। देखो है मैं बना ले, तेल बहुत घट आँच ते मैं गर्म किया सी, हल्का गर्म है, ज़्यादा गर्म नहीं है। तो थोड़ा ही टाइम लगता है इन्हों बनाने विच, तो ज़्यादा मुश्किल तो नहीं हुई, बट मतलब एक्सपीरियंस के उत्ते है। थोड़ा असी करांगे तो सानू हौली हौली समझ आएगा। सब तो पहला जिहड़े मैं पाए से थोड़े पतले पतले बने से, पर क्रिस्पी बने से, बहुत टेस्टी बने से, अंदरों तक पक चुके से, बहुत वधिया लगे मैनू। तो देखो इस तरह के बने से, मैं तुहानू आवाज़ भी सुनाती हाँ, इहदी आवाज़ भी बहुत कुरकुरी आती है। हुणे मैं तुहानू इहदी आवाज़ भी सुनावांगी। तो अगला पेड़ा लिया सी मैं, अगला पेड़ा मैं थोड़ा जिहा मोटा रखियो, क्योंकि जिहड़ा पहला वाला सी पतला हो गया सी, तो बहुत पतले पतले बने सी। मैं बच्चों नू खवाए तो कह रहे सी मम्मा पतले है, थोड़े मोटे करो। फिर मैं मोटा पेड़ा लिया, थोड़ा थोड़ा मोटा रखिया मैं इहनू। ये देखो ये सारे मैं मोटे पीसिस किए, ये देखो गुलगुले जे है, बट ये वधिया नहीं बने सी। ये नहीं कि मोटे से इसलिए वधिया नहीं बने, यह मैं ज़्यादा गर्म तेल विच पा दिते सी, जो कि पहला ही बहुत गर्म हो चुका सी, तो मैं उहदे विच पा दिते ते ये अंदरों कच्चे रह गए, ज़्यादा कुरकुरे नहीं बने। खाने लायक तो सी, मतलब बच्चे छोटे बच्चे है ना वो खा सकते हैं, जिन्हां दे दंद नहीं होंदे उन्हां वास्ते खाने लायक सी। अंदरों कच्चे भी नहीं सी, मतलब पक गए सी, मतलब सॉफ्ट बने सी बहुत। तो बच्चों के वास्ते सी, मेरी गुड़िया हैगी 1.5 साल की, तो वो खा रही सी इन्हों, बहुत अच्छा लगा उन्हों, क्योंकि ये मिर्च भी नहीं सी, तो सॉफ्ट भी बने से, तो उन्हें खा ले सी। जो पहला वाले से बहुत सख्त से, वो नहीं खा पाई सी, मेरे बच्चों ने खाते। तो नाल नाल जिस तरह मैं सीख रही सी, नाल नाल एक्सपीरियंस मिल रहा सी मैनू, उसी तरह फिर मैं थोड़े नाल सोचा एक्सपीरियंस शेयर कराँ कि थोड़ा ज़्यादा गर्म तेल होएगा तो सॉफ्ट बनेंगे, अगर घट गर्म होएगा तो थोड़े कुरकुरे बनेंगे। तो फिर मैं इन्हों भी काढ़ लिया, काढ़ के फिर मैं इन्हों प्लेट विच नमक मिर्च थोड़ा चाट मसाला मिक्स करके दिता बच्चों, छोटी बच्ची नू मैं इस तरह ही दिते। सिंपल है, देखो इदा दे बने, दिख रहे हैं ना कि मतलब थोड़े कुरकुरे नहीं लग रहे, सॉफ्ट लग रहे हैं। फिर तीसरी बार फिर मैं उस तरह का ही मोटा पेड़ा लिया, पर इनू मैं बहुत घट गैस से बनाया, पहला पहला तेल बंद करता सी, फिर हल्का गर्म हो गया सी, फिर मैं पाए बिल्कुल, मतलब जैसे समोसे बनते हैं ना, बिल्कुल घट सिम गैस से, मतलब इस तरह बनाना पैंदा इन्हों भी, ताकि थोड़े कुरकुरे और क्रिस्पी हो जाए। तो थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। तो देखो यह बहुत टेस्टी बने से, बहुत कुरकुरे बने से, कोई कमी नहीं सी। तीसरी बारी मैं बनाए से, ना ही पतले सी और ना ही कच्चे से। तीसरी बार है मतलब तीसरा पेड़ा सी, वो ही एक कटोरी सूजी और एक कटोरी मैदे विच ही 3 बार बन गए, और इन विचों अद्धे मेरे बच्चे ने खा भी ले सी, और अद्धे मैं जिहड़े बचे सीगे वो तुहानू मैं शो कर रही हाँ। चाट मसाला, नून, काला नमक, तो थोड़ी लाल मिर्च, काली मिर्च सब मिक्स करके मैं इहदे विच मिक्स कर दिता, ताकि थोड़े टेस्टी लगन, और ये थोड़े थोड़े वो वाले भी है सॉफ्ट वाले,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਰਕ ਕਲਰ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਕੁਰਕੁਰੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਟ ਕਲਰ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਸੋਫਟ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸਣਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਜੋ ਮੈਂ ਯੂਟਿਊਬ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਰਿਵਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੋਫਟ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਟੁੱਟੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਦੱਬਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਗਰਮ ਹੈ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਮੇਰੇ, ਦੇਖ ਲਓ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਯੂਟਿਊਬ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਿਵਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਵੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ